कम से कम ऐसी हजारों माताएं मैंने आती हैं जो कहती है राजीव भाई बाल टूटते हैं कुछ दवा बताओ। मैं कहता हूं शैंपू और कंडीशनर बंद कर दो, तो वो तो बंद नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं माफ करो मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि आप हेयर कंडीशनर शैंपू लगाते रहो बाल तोड़ने का तो वो कहानी है, फिर आप मेरी दवा खाओ उससे कुछ होने वाला नहीं। और जिनके शरीर में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा कब्जियत होगी उनकी त्वचा भी बहुत कड़क रहती है रफ रहती है, और स्किन चूंकि रफ रहती है तो कोई ना कोई उनको कोल्ड क्रीम चाहिए जो स्किन को सॉफ्ट बनाए, तो इसलिए वो कोल्ड क्रीम लगाते रहते हैं। लेकिन वो भी थोड़े ही समय काम करती है, 6-8 घंटे से ज्यादा कोई कोल्ड क्रीम भी काम नहीं करती स्किन पे, तो हर 6-8 घंटे के बाद वो कोल्ड क्रीम पोतते रहते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ कहां आती है, जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है उनके होठ बहुत कड़क रहते हैं एकदम रफ सूखे सूखे, तो उस होठों की सुखावट को छुपाने के लिए लिपस्टिक लगाते रहते हैं, हम बिना सोचे समझे अपने देश में उसको अपने मुंह पे थोपते रहते हैं, पता नहीं कितनी लिपस्टिक तो हम खाने के साथ खा जाते हैं, क्योंकि आप कितना भी बचा के खाएं वो तो जाने ही वाली है। तो देखिए एक अंध भक्ति या बिना सोचे समझे की गई नकल कितने तकलीफ का कारण बनती है इस देश में। अब वो जो कुछ भी करते हैं यूरोप और अमेरिका वाले वो अपनी ठंड से बचाव के लिए करते हैं, जितना कर पाते हैं कर पाते हैं। अब उनके यहां ठंड बहुत है तो कपड़े भी ऐसे ही पहनने पड़ेंगे, टाई लगानी पड़ेगी, 3-पीस सूट पहनना पड़ेगा, और आप देखेंगे ना महिलाएं वो ऊपर तक के स्लीव्स पहनती हैं मोजे पहनती हैं क्योंकि उनको ठंड से बचना है। अब हम भी उनकी नकल करके भारत में पहनना शुरू करते हैं, आजकल ये नकल दिल्ली बंबई कलकत्ता में बहुत शुरू हुई है। हर चीज में बिना सोचे समझे हम उनकी नकल करें, और अब ये नकल इस खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि ठंड वाले देशों की मजबूरियों को हमने प्रतिष्ठा का तंत्र बना लिया, स्टेटस सिंबल बना लिया। हमारे घर में पिज्जा आ रहा है तो स्टेटस सिंबल है, बर्गर खा रहे हैं तो स्टेटस सिंबल है, चाउमीन खा रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं स्टेटस सिंबल है, नूडल्स खा रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं स्टेटस सिंबल है, और कई घरों में तो ये नियम बन गया है कि संडे को तो ये होना ही चाहिए, संडे को माने चाउमीन तो आनी ही चाहिए, बर्गर तो आना ही चाहिए, पिज्जा तो आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए, और ये घर में नहीं आ सकता तो होटल में जाके खाना चाहिए। अब उनकी मजबूरियों को हमने जो स्टेटस सिंबल बनाया तो और तकलीफ कर रहा है, तो हमारी सारी की सारी बीमारियों की जो जड़ है ना वो ये आधी अधूरी समझ से विदेशियों की गई नकल जो हमें सफल नहीं होने देती। कॉस्मेटिक्स वो सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको स्किन बचा के रखनी है, एक तो अंदर से कॉन्स्टिपेशन के कारण रफनेस है, दूसरी बाहर की ठंड है बर्फ है और उस बर्फ के कारण और ज्यादा रफनेस है, तो दोनों मिलाकर उनके यहां तो तकलीफ हो जाती है। इसलिए अपनी स्किन को बचाए रखने के लिए बार बार कुछ लोशन लगाना, बार बार कुछ कॉस्मेटिक्स यूज करना, सौंदर्य प्रसाधन, वो उनकी मजबूरी। और एक दो छोटी बातें बता दूं आपको, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये काम की है। यूरोप के देशों में मैंने जितनी बार प्रवास किया वहां के लोगों को देखा कि चूंकि ठंड बहुत है ना तो ये जो भौं के बाल होते हैं ना ये नहीं उगते, तो इसलिए वो लाइनर का इस्तेमाल करते हैं दिखाने के लिए, नकली, असली तो है नहीं। तो ब्यूटी पार्लर में जा जाके वो बनवा बनवा के लाते हैं, काले पीले वो रंग से रंगते रहते हैं क्योंकि असली बाल आते ही नहीं है, ठंड बहुत है। अब हमने भी वही तमाशा शुरू कर दिया अपने अपने घर में, बाकायदा 2-2, 3-3 घंटे का समय निकालकर हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं इसको बनवाने के लिए, कितना भी रुपया खर्च हो हमें तो कोई मतलब नहीं उससे। तो मैं एक ही निवेदन सबसे करता हूं, वो ये कि अगर नकल ही करनी है तो समझ के करो, कुछ अकल के साथ करो, बिना अकल के नकल किया तो खड्डे में ही जाने वाले हैं। बीमारियां इसी तरह से आ रही हैं। हमने यूरोप और अमेरिका की बिना सोचे समझे जो नकल किया अपने जीवन में, कुछ तो हमारी मजबूरी थी कि हम 250-300 साल उनके गुलाम रहे,
लेकिन मुझे उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि जब उनकी गुलामी चल रही थी तब भारत के लोग इतने मजबूर नहीं थे अंग्रेजों की नकल करने के लिए। वो चले गए 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो अंग्रेजियत बढ़ी है उसने तो तबाह कर दिया इस देश। अब वहां कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना स्किन बहुत हार्ड है, तो स्किन हार्ड है तो बिना साबुन के नहाना संभव ही नहीं है उनको, क्योंकि कास्टिक सोडा जो है ना हार्ड स्किन के लिए ही है। केमिस्ट्री में ये जो कास्टिक सोडा बनता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये उन्हीं त्वचा के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं पर ये लगाया जा सकता है जो बहुत कड़क त्वचा हो। और हमारे भारत में इतनी सॉफ्ट है स्किन क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमको है, हम रगड़ रगड़ के कास्टिक सोडा के साबुन से नहा रहे हैं, फिर त्वचा सूखी हो रही है तो फिर दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ, स्किन रफ हो रही है, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गई, इचियोसिस हो गई, खाज हो गई, खुजली हो गई, वो तो होने ही वाला है, क्योंकि सॉफ्ट स्किन के लिए साबुन बना नहीं है, साबुन बना है हार्ड स्किन के लिए। हमारे यहां तो वही चीजें हैं अच्छी नहाने के लिए जो सॉफ्ट स्किन पे एप्लीकेबल हो, जैसे दूध का स्नान। इसलिए हमारे यहां कहावत है दूधो नहाओ पूतो फलो, कभी सुना है किसी से लक्स नहाओ पूतो फलो, कोई कहता पियर्स से नहाओ पूतो फलो, लाइफ बॉय लगाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो, क्योंकि दूध जो है ना वो सॉफ्ट स्किन की सॉफ्टनेस को बरकरार रखता है। आपकी त्वचा जितनी नरम है उतनी ही नरम वो रखेगा, थोड़ा ज्यादा ही कर देगा, कम नहीं होने देगा, इसलिए शंकर भगवान दूध से नहाते हैं, महाशिवरात्रि को सबने दूध ही लगाते हैं, किसी को नहीं देखा कि वो साबुन से शंकर जी को नहलाता। अब कैसे मूर्ख लोग हैं, हम शंकर जी को तो दूध से नहलाएंगे और खुद साबुन से रगड़ रगड़ के नहाएंगे। और पागलों के पागल कहते हैं जी हम दूध के साबुन भी, दूध से क्यों नहीं नहा लेते अगर दूध के साबुन से नहा रहे हो, कहते हैं जी हम तो हल्दी वाली क्रीम लगाते हैं, हल्दी क्यों नहीं लगा लेते, वो हल्दी वाली क्रीम आती है 1500 रुपए किलो और हल्दी आती है 40 रुपए किलो, तो कहो कि हल्दी लगा लो, उनसे कहो जी दूध से नहा लो 15 रुपए लीटर का है, नहीं नहीं हम तो साबुन लाएंगे दूध का 350 रुपए किलो वाला। हमारा जो दिमाग है ना घूम गया, और ये घूमने का कारण है बिना सोचे समझे नकल करना, और ये नकल करवाने में सबसे बड़ा भूमिका हिंदुस्तान में किसी ने निभाई तो सिनेमा ने और टीवी सीरियल ने, सत्यानाश कर दिया इस देश का। टीवी सीरियल में जो भी जानकारी यूरोप की देते हैं आधी अधूरी, पूरी जानकारी कभी नहीं देते क्योंकि पूरी जानकारी समझने के लिए उनके पास भी फुर्सत नहीं। और सिनेमा बनाने वाले यूरोप में जाके थोड़ी बहुत शूटिंग वूटिंग कर लाते हैं तो उसी को देख देख के हमारा मन ललचाता रहता, भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा। बहुत सारी हीरो हीरोइनों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आप कॉस्मेटिक्स क्या क्या इस्तेमाल करती है, वो तो कॉस्मेटिक्स इसलिए इस्तेमाल करती है कि दिन में 6-6 घंटे भयंकर फ्लड लाइट्स में उनको रहना पड़ता है, अगर वो कॉस्मेटिक्स ना लगाएं तो उनकी तो त्वचा जल जाए। फिर उन्हीं के मूर्खतापूर्ण टिप्स ले लेके हम अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जबकि हमें कोई फ्लड लाइट्स में रहना नहीं पड़ता। भाई हेमा मालिनी ऐसा करती है तो हम भी कर रहे हैं, ऐश्वर्या रॉय ये लगाती है तो हम भी लगा रहे हैं, ऐश्वर्या रॉय हेमा मालिनी 6-8 घंटे भयंकर लाइट में रहती है त्वचा को बचाने के लिए ये सब करती है, हम तो नहीं रहते फिर हम क्यों करें।